गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इसके अंदर है इंटरकॉम। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स दिस। ये थोड़ी इसकी थोड़ी पैकेजिंग खराब है, तो देखते हैं अंदर कैसा है प्रोडक्ट। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। हमारे यहाँ ऑफिस में सीजर्स और कटर्स तो नहीं है, चालू से खोल देते हैं। और आज हम बैठे हैं हिडन लिफ्ट मीडिया के ऑफिस में। गाइस, तो बॉक्स पहले से ही खुला हुआ है। तो गाइस, ये है ब्लू आर्मर का C30 मैश इंटरकॉम। ये खास करके राइडर्स के लिए यूज होता है, जो कि वो इस इंटरकॉम को हेलमेट में माउंट कर सकते हैं। और इसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 20 राइडर्स के साथ होती है। इसकी सबसे खास बात है इसकी जो रेंज है, मतलब सबसे खास बात नहीं, इससे ये बेहतर आता है, बट इसकी खास बात है इसकी जो रेंज है 1.2 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और इसकी बैटरी आ रहा है 16, तो अच्छा है ये इस रेंज में। इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 11,000। तो अभी इसके ऊपर का जो कवर है वो निकालते हैं, और इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है, मतलब इस इंटरकॉम के साथ आते हैं, जैसे कि माइक और स्पीकर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस बॉक्स अमेजोन के बॉक्स पर आते बाजू में, तो इस बॉक्स पे आते हैं। तो पहले तो इस बॉक्स पे इनकी ब्रांडिंग है ब्लू आर्मर, इसके पर प्रोडक्ट का नाम लिखा है C30। अब इसके नीचे लिखा है इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले तो IP67 वाटरप्रूफ है, फिर आता है इसमें राइड ग्रिड जो मेश इंटरकॉम है ये वाला, इसके बारे में यहाँ दिया है। ब्लूटूथ 5.1 लिखा हुआ है, और साउंड बाय JBL सबसे खास। और इनकी जो बॉक्स पैकिंग है वो बहुत बढ़िया है, ये इस तरह से कुछ ओपन होता है। बॉक्स ओपन करते ही इसके अंदर एक कार्ड है, जो कि वारंटी कार्ड है। और अगर आप ऑनलाइन इसे बुक करते हो, यानी कि ब्लू आर्मर के साइट से, तो कार्ड पे कहीं पर आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो और यहाँ पर अगर दिख रहा है ठीक से, तो इनकी इनोवेशन टीम से जो भी है उनके नाम लिखे हुए हैं, लाइक अजय, अखिल, अक्षय, ये सब लिखा हुआ है। और मेक इन इंडिया का सिंबल भी है, जो शेर का सिंबल होता है ना, वो भी है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले निकालते हैं इसका माइक। जो मेन इंटरकॉम का है वो बाद में देखते हैं। ये है माइक और इसके जो स्पीकर्स जो हम माउंट करेंगे अपने हेलमेट में। इन स्पीकर्स पे लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है जो कौन सा कहाँ लगेगा। एंड ये जो माइक है, ज़्यादा वायरिंग ही है इनका कनेक्शन, तो इजीली इंस्टॉल हो सकता है। इसको साइड में रखते हैं। जो मेन इंटरकॉम जो हेलमेट के बाहर लगता है, ये इसमें ये बटन्स आते हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ पर LED लाइट फंक्शन है, ये है इसका एंटीना जो बोल सकते हैं अपन। और इसके पीछे सब कुछ सेम दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। इसे भी आप साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो बॉक्स में आता है और एक हाउ टू इंस्टॉल दिस एंड हाउ टू एक्टिवेट दिस इन योर मोबाइल, हाउ टू पेयर दिस विद योर मोबाइल। ओके, तो उसके इस कार्ड के बाद इसके अंदर क्लैंप मिलता है एक। यहाँ पर आप लोगों को दो चॉइस मिलती है, एक तो हम क्लैंप से अटैच कर सकते हैं ये इंटरकॉम, या फिर ये जो स्टिकर है उससे परमानेंटली अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो क्लैंप से अटैच करूँगा, क्योंकि मुझे हेलमेट चेंज भी करना है। देन ये
होती है एलन की, जिससे हम लोग एक क्लैंप के जो स्क्रूज है उसको टाइट कर सकते हैं। और फिर ये स्टिकर्स मिलता है, ये मिलते हैं क्योंकि हेलमेट में स्लॉट्स रहते हैं जो स्पीकर है उनको लगाने के लिए, तो इन स्टिकर्स के मदद से हम उन्हें परमानेंटली वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो कैसे लगा सकते हैं वहाँ पर। सो बॉक्स में तो बस इतना ही है, बॉक्स कुछ इस तरह से है, नाइस अच्छा बॉक्स है। और बॉक्स के पीछे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये बॉक्स के पीछे इस इंटरकॉम के डिज़ाइन के बारे में दिया है, फ़ोन कनेक्टिविटी के बारे में दिया है, ऐप के बारे में दिया है और बहुत कुछ लिखा हुआ है। और सबसे खास बात, प्राउडली मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो अभी तो मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं दिखाऊंगा, पर इंस्टॉल किया हुआ हेलमेट दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब मैं अपने हेलमेट में अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता, मैं बस उसे आप उस उन जगह पर प्लेस करने वाला हूँ। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हेलमेट दिखाता हूँ। तो अभी हम ये स्पीकर और ये माइक इस हेलमेट में इंस्टॉल करेंगे, मतलब मैं बस प्लेस करने वाला हूँ। सो दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ प्लेस होता है। तो लाइव लेफ्ट वाला है ये, तो ये लेफ्ट स्लॉट में जाएगा और ये राइट वाला राइट स्लॉट में। और इसकी वायरिंग मिनिमल होने के वजह से ये चुभ जाएगी पैडिंग के अंदर। और ये माइक कुछ इस तरह से प्लेस होगा, ये भी माइक पैडिंग के अंदर ही चला जाएगा। तो अभी मैं आप पैडिंग लगा कर दिखाऊंगा कि कैसे लगता है। इंस्टॉलेशन के बाद हेलमेट कुछ ऐसे दिखेगा। लेफ्ट साइड पे मोस्टली सब इंटरकॉम लगाते हैं, तो मैंने भी माउंट किया लेफ्ट साइड विद क्लैंप। और इसके अंदर स्पीकर्स है, और पहनने के बाद बिल्कुल फील नहीं होगा कि हाँ भाई उधर स्पीकर्स है करके। सो बट ये जो डायल है इंटरकॉम का, अगर हम ग्लव्स पहनेंगे तो ये डायल ठीक से फील नहीं होगा और क्लिक करने में थोड़ी परेशानी है, बट ठीक है चलता है उतना। और ऐसे लगता है, तो इसके बाद हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे थोड़ा, फिर बताएंगे कि कैसी कनेक्टिविटी है दूसरे इंटरकॉम के साथ, क्योंकि सुशील के पास भी सेम इंटरकॉम है, तो अभी देखते हैं। और एक खास बात, ये इंटरकॉम यूनिवर्सल है, तो किसी भी इंटरकॉम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए ये इंस्टॉलेशन हो गया है, और हमने इन दोनों इंटरकॉम को अच्छे से टेस्ट करके भी देखा, वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर है और नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छा है, और होगा भी क्योंकि साउंड बाय JBL है। तो ये था इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो। सो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। अभी हम इसे यूज करेंगे, अगर आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगा।